फ्रेंड्स नमस्ते। ये वीडियो मैं नए साल के लिए लाई हूँ, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। तो हम बात करेंगे नए साल की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे भारत में नया साल कैसे मनाया जाता है। दरअसल हमारे भारत में नया साल राज्यों के हिसाब से अलग अलग तरीके से और अलग अलग दिन मनाया जाता है। यदि हिंदुओं की बात की जाए तो बसंत पंचमी के दिन हम अपना नया साल मनाते हैं। यदि मुसलमानों की बात की जाए तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार वो मुहर्रम के दिन अपना नया साल मनाते हैं। यदि पंजाबियों की बात की जाए तो 13 अप्रैल वैशाखी के रूप में अपना नया साल मनाते हैं। यदि सिखों की बात की जाए तो 14 मार्च को होला मोहल्ला के रूप में अपना नया साल मनाते हैं। ये सिख नानक सिंह के कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। यदि तेलुगुओं की बात की जाए तो मार्च अप्रैल के बीच में आता है, उगाती के नाम से ही अपना नया साल मनाते हैं, जो चैत माह का पहला दिन होता है। कन्नाडा में भी चैत माह का जो पहला दिन होता है उसी के दिन मनाया जाता है ये नया साल। यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो गोड़ी पावड़ा नाम से मनाते हैं नया साल। यदि मारवाड़ियों की बात की जाए तो दिवाली के दिन ये अपना नया साल मनाते हैं। यदि गुजरातियों की बात की जाए तो ये दिवाली के अगले दिन, यानी अगर बिहारी में कहा जाए तो पड़ुआ के दिन मनाते हैं ये अपना नया साल। यदि बंगालियों की बात की जाए तो 14 और 15 अप्रैल की तारीख को मनाते हैं नया साल। तो अगर कुछ पास्ट की बात की जाए तो 4000 वर्ष पहले बेबीलोनिया में सबसे पहले नया साल मनाना स्टार्ट किया गया था, जो मनाया जाता था 21 मार्च को, क्योंकि ये त्यौहार ईसाइयों का है, अगर उर्दू में बोला जाए तो यहूदियों का है, और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ये क्रिश्चियन का है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये नया साल कैसे मनाना स्टार्ट हुआ। जो प्राचीन रोम की बात की जाएगी तो प्राचीन रोम के जो शासक थे जूलियस सीजर, उन्होंने 45वें ईसा पूर्व में जूलियस कैलेंडर बनाया था, जिसमें सबसे पहली बार फर्स्ट जनवरी को नया साल बनाना स्टार्ट किया गया था, और आज हम लोग उसी परंपरा को लेके चल रहे हैं। अब यहूदियों की बात की जाए तो यहूदियों की मान्यता है कि गॉड को पूरी दुनिया बनाने में 7 दिन लगा था, और जब ये 7वां दिन ख़त्म हुआ तो 8वें दिन को हम न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन का त्यौहार है। तो आइए जानते हैं कि ये लोग इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, इनके क्या रीति रिवाज है। आई एम श्योर आप जब इनके रीति रिवाज सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे, आपको बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ था। कहीं एक और दरवाजे पर प्याज टांगी जाती है, तो कहीं एक और गुड्डा जलाया जाता है, तो कहीं एक और ढेर सारे व्यंजन खाए जाते हैं नए साल पे। तो आइए जानते हैं आयरलैंड में जो लड़कियां कुंवारी सिंगल लड़कियां होती हैं, वो मिसलो नाम का एक पौधा होता है, उसकी टहनी को अपने तके के नीचे रख के सोती हैं। उनकी ये मान्यता है कि इस टहनी को अपने सिरहाने रख के सोने से उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। यदि आयरिश की बात की जाए, आयरिश देश में गेट से मानी जाती है ये परंपरा, जैसे कि उनके यहाँ जो अतिथि आते हैं वो अगर 31 दिसंबर की शाम को कोई जेंट्स हैंडसम और लंबा हैंडसम होगा तो उनके लिए गुड लक का संकेत होगा, लेकिन इसमें यदि कोई महिला रेड कलर के कपड़े में आती है तो ये बैड लक का प्रतीक होता है। यदि डेगमार्क की बात की जाए तो डेगमार्क में कैसे मनाते हैं न्यू ईयर, डेगमार्क में अपने पड़ोसियों के घर के सामने प्लेटें तोड़ी जाती हैं। दरअसल न्यू ईयर की शाम को अपने पड़ोसियों के सामने अपने घर की प्लेटें, पुरानी प्लेटें तोड़नी होती हैं, और देखते हैं कि जिसके घर के सामने जितनी प्लेटें टूटी होती हैं उसको नए साल में उतने ढेर सारे लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता है, ऐसी उनकी परंपरा है। यदि फ्रिस की बात की जाए तो फ्रिस में दरवाजे के सामने प्याज लटकाई जाती है, और ऐसा उनकी मान्यता है कि ये पुनर्जन्म से रिलेटेड होता है, और चर्च जाने से पहले पेरेंट्स अपने बच्चों पे ये प्याज सिर पे मारते हैं। सोचिए ये कैसी अजीबोगरीब परंपरा है। यदि स्पेन की बात की जाए तो स्पेन में न्यू ईयर कैसे मनाते हैं, स्पेन में न्यू ईयर मनाते हैं पुराने साल के बचे 12 सेकंड में 12 अंगूर खा के, इस परंपरा को अपनाया जाता है। और अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में जो
साउथ अफ्रीका में अपने घर के पुराने सामानों को खिड़की से बाहर फेंका जाता है और नए साल में ढेर सारे नए नए सामानों से नए साल का स्वागत किया जाता है। यदि एस्टोनेशिया की बात की जाए तो वहाँ 12 तरह के व्यंजन खाने होते हैं। इन व्यंजनों को पूरा नहीं खाना होता है, कुछ व्यंजन को छोड़ दिया जाता है अपने पूर्वजों के लिए और आत्माओं के लिए, और कुछ लोग इसे 7 और 9 में भी खाते हैं। ऐसी उन लोगों की परंपरा है। इकावा डोरा में कैसे मनाते हैं? इकावा डोरा में अपने दुश्मन की पुतले को जलाया जाता है। ये पुतला कागज़, लकड़ी और अन्य तरीक़ों से बनाया जाता है और उसे अपने पुराने कपड़े पहना के उसे आधी रात में जलाया जाता है। ये इकाडोवा के हिसाब से मनाया जाता है। पेरू में कैसे मनाया जाता है? पेरू में मनाया जाता है अपने घर की पुरानी गुड़िया को या फिर कपड़े या न्यूज़पेपर से गुड़िया बनाते हैं और फिर उसे रात में जलाते हैं। इस तरीके से वहाँ मनाया जाता है नया साल। चीन में कैसे मनाते हैं नया साल? चीन में नया साल मनाते हैं नए नई चप्पल पहन के। वो लोग नए साल को नए चप्पल पहनते हैं। इस चप्पल को वो 31 दिसंबर या उससे पहले ख़रीद लेते हैं और नए साल को वो नए चप्पल पहन के सेलिब्रेट करते हैं। यदि मॉस्को, बेबिलोया और वायरजोला की बात की जाए तो वो लोग अपने घर के सामने सूटकेस रखते हैं और उनकी ये मान्यता है कि ये सूटकेस रखने से उन्हें पूरे साल में कहीं ना कहीं घूमने को मिलता है। यदि कोलाविया की बात किया जाए तो वहाँ मिस्टर ओल्ड मैन का पुतला जलाया जाता है। वहाँ एक पुतला बनाया जाता है, उसको अपने घर के सदस्यों की जो पुराने कपड़े होते हैं वो पहनाया जाता है और उस कपड़े को पहना के उसका नाम दिया जाता है मिस्टर ओल्ड ईयर होते हैं, उनको जलाया जाता है और ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हर देश में कैसे और कितने अजीबोगरीब रीति रिवाज है। अगर उनको अपने देश में अपना लिया जाए तो फिर बवाल ही हो जाएगा। यदि प्लेट्स तोड़ी जाए अपने पड़ोसी के सामने या फिर प्याज लटकाई जाए या फिर ऐसा कुछ, तो हर देश के अपने अलग अलग रिवाज थे और उनके अपने अलग अलग टोटके थे जिसे वो अपने तरीके से सेलिब्रेट करते थे। बहरहाल बात ये है कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी डे हो, सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे घर में खुशियाँ आती हैं और खुशियाँ जहाँ से भी मिले उसे इकट्ठा करनी चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और नेक्स्ट वीडियो मैं किससे बताऊँ ये भी लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब